नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद ऋतु पर। तो भाई आज जो है हम थोड़ा कई दिन हो गए हमारे रास्ता में इसके जो साथी हैं उनसे हमारी बातें नहीं हो पा रही हैं, तो आज जो है हम थोड़ा उनसे बातें कर लेते हैं कि क्या जो है उनकी प्रॉब्लम सभी चल रही है, उनको अभी किस चीज़ का डर लग रहा है। अभी एक महीना बचा है, बाकी मैं आपको बता दूं डर उसी बच्चे को लगेगा, उसी साथी को लगेगा, उसी हमारी बहन को लगेगा जो पढ़ाई करता है, क्योंकि उसी के मन में डर रहता है कि मेरे से क्या छूट गया, मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने क्या अभी तक नहीं छेड़ा, मेरा कौन सा मॉडल पेपर अच्छा गया कौन सा नहीं गया, मेरी नेगेटिव मार्किंग कितनी जा रही है। और बाकी जो ऐसे ही पढ़ता है कि हाँ मेरे को तो बस काम चलाना है, तो उसको डर भी नहीं लगता, वो बेधड़क ही रहते हमेशा ही, चाहे वो फिजिकल में देख लो चाहे वो आप रिटन एग्जाम में देख लो। तो अब की बार जो है अब जैसे डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, डर तो लगेगा ही, लास्ट एग्जाम जब तक आप देके एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं आ जाते तब तक आपका डर ऐसे ही लगता रहेगा। लेकिन जैसे आपका पेपर सही आ जाता है, आपको ये लगता है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा है, मैं इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो आपका डर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, और थोड़ा बहुत तो है वो चलता रहता है। बाकी आप अगर एग्जाम देखो, जैसे एग्जाम होगा उससे पहले भी हम एक दो वीडियो जो है वो हम बनाएंगे आपके साथ, ये नहीं है कि भाई हम बनाएंगे नहीं। तो अभी थोड़ा बात ये करते हैं कि एक महीना आपके पास बच्चा है, ठीक है, ये जो सिचुएशंस आप में आ रही हैं वो देखो हम पे जो है वो 4-5 साल पहले आ चुकी हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एक महीना बच्चा है तो हम हड़बड़ाहट में सोचते हैं कि अभी मैं क्या पढ़ूँ, एक महीना है तो कई बार जैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने कि आपने जैसे राजस्थान की जीके पढ़ ली है, उसमें आपने हिस्ट्री कल्चर जो भी पढ़ा है तो उसके आपने शॉर्ट नोट्स बनाने जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं। अब जैसे अब इंडिया का जीके अभी देखो उसमें आपका स्कोरिंग थोड़ा कमी रहता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई इंडिया जीके में और करंट में इनमें तो हम सोच ही नहीं सकते कि इस चीज़ में हम 100% स्कोर कर सकते हैं। बाकी रीजनिंग है और कंप्यूटर है, इसमें आप स्कोर कर सकते हो। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें स्कोरिंग करवाती हैं, कौन कौन सी, एक तो रीजनिंग और कंप्यूटर। फिर बात आती है कि हम राजस्थान जो जीके है उसमें भी हम जैसे लगातार जैसे मॉडल पेपर कर रहे हो आप, जैसे अब की बार आपका ऑनलाइन टेस्ट है, तो आप जैसे भी एग्जाम आप अभी मॉडल पेपर कर रहे हो तो उसमें आपको ये देखना है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग कितनी जा रही है। आपको एक एक मॉडल पेपर उस हिसाब से करना जैसे आप एग्जाम सेंटर में करोगे, उसी हिसाब से अगर आपने किया तो आपका जो डर है वो भी निकल जाएगा। तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनके ऊपर अभी ध्यान देना है, क्योंकि जिनको आपको ये लगता था कि भाई इसमें तो मैं कम स्कोर कर सकता हूँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी भी नहीं है और इसमें अभी अगर मैं घुसा तो उसमें मैं निकल भी नहीं पाऊंगा, तो उसको एक बार आप छोड़ दो। क्योंकि अभी जो जैसे महिला बाल अपराध है उसमें कईयों को तो ये कन्फ्यूजन है कि आएगा क्या, तो उसमें सही सही जैसे देखा जाए तो वो दे रखा है कि राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जो संस्थाएं हैं वो आएंगी। अब तो योजनाएं जितने भी कितनी योजनाएं समझते हो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई हुई, तो इतनी योजनाएं नहीं है जितना आप उस चीज को ले रखा है कि भाई बवंडर बन रहा है उस चीज का कि इसमें हम क्या पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। 10 नंबर है, 10 नंबर में से अगर आपने स्कोरिंग अगर उसमें 7-8 भी ले आए तो वो भी बहुत है। अगर आपने जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनकी डेट और उनकी सन याद कर ली है तो भी आप इस चीज में एक ये सोच लो कि अगर कोई योजना डायरेक्ट आपको दे दी, ठीक है, डायरेक्ट दे के आपको पूछ लिया कि कब शुरू हुई, कब लागू की गई या इसमें क्या कोई अपडेट किया गया है, तो आप इस चीज को किस हिसाब से पढ़ना आपको एक बार देखना। जैसे आप ये लेके बैठे हो कि भाई राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके में आप मॉडल पेपर कर रहे हो, मिक्स मॉडल पेपर कर रहे होंगे आप सभी, क्योंकि अभी जो सब्जेक्ट वाइज है वो तो आपने मेरे हिसाब से आपको अभी छोड़ देना चाहिए, एक महीना बचा है आपको मिक्स मॉडल पेपर करना है, ठीक है, ताकि आपको उसमें पता चल जाए कि मेरा रीजनिंग कितना बैठ रहा है, मेरा जो है वो इंडिया जीके कितना बैठ रहा है, करंट महिला बाल अपराध के जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के आ रहे हैं मॉडल पेपर की बात। फिर आता है कि राजस्थान जीके के एक तो चीज याद रखना, जो पीछे के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट जरूर करना है। पेपर देने जाने से पहले भी आपको 1-2 दिन है आपको पीछे के क्वेश्चन रिपीट करने हैं हर सब्जेक्ट में, जैसे वो रीजनिंग के हो चाहे वो इंडिया जीके हो, करंट है वो आपको पता है कि भाई करंट का तो ब्रह्मांड वो है, विस्तृत सिलेबस है, कहीं से भी करंट पूछी जा सकती है, करंट आपकी जैसे रेगुलरली चल रही भी होगी, इन चीजों के आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो निकालने हैं। बाकी आपके मॉडल पेपर है वो मिक्स चल रहे होंगे, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है कि अभी आप अगर यहाँ पे गलती कर रहे हो तो आप 100% वहां गलती करोगे, ये सोच लेना। ये हमारे में भी कमी है, हम ये सोचते हैं कि यार ये सही हो सकता है, वहां पे तुक्का लगेगा, तुक्का अगर हमने अगर लगा दिया, अगर हमारे में ये भाई सस्पेंस रहता है कि भाई 2 क्वेश्चन में से 1 आ जाता वो भी मत करो आप,
अगर उसमें भी आपके डाउट है तो आप ये मत करो, क्योंकि अगर आपने वो किया तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। एक भी अगर क्वेश्चंस आपने ऐसे कर दिया, अगर आपको 100% क्वेश्चंस आ रहा है तो आप उसको पहले करना। अभी मॉडल पेपर दे रहे हो जो सीबीटी एग्जाम है आपके, उस हिसाब से अगर आप जो कंप्यूटर बेस्ड अभी कर रहे हो ना, उसमें ध्यान रखना अभी भी आप, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। अगर अभी आपने जो मॉडल पेपर अच्छे से कर लिया तो वो वहां पे आप सही करोगे। तो अभी क्या ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चंस करने से पहले आपको ध्यान से मॉडल पेपर है उसको पढ़ो, फिर आप उसमें देखो कि मेरे को कितना आ रहा है। अगर कितना आ रहा है उसमें से आपने 100% उन क्वेश्चनों को कर दिया जो आपको सही आ रहे हैं, उसके बाद आप तीन वाले में आओ, ऑब्जेक्ट्स तीन वाले में मेरे को तीन है वो आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा, उसमें आप रिस्क ले लो अच्छे से। दो आ रहे हैं, दो वाले में अगर हम चलते हैं ना, उसमें हम थोड़ा नेगेटिव ही रहता हमारा रिजल्ट। तो आप अच्छे से तैयारी करो, टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करो भाई, जहां से आपको कोई भी चीज मिल रही है। आप ये मत सोचो कि मेरे को वहां से वो चीज नहीं मिल सकती, कहीं से भी मिले आप वो ले लो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि उस जगह भगने का। अच्छे से तैयारी करो, टारगेट अपना फिक्स रखो कि मेरे को इतने समय में ये पढ़ना है, इतना समय मेरे को मॉडल पेपर में देना है, बाकी एक महीना आपका पूरा बचा हुआ है। एक महीने में आप क्या कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप किसी को दोष मत देना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं इसकी वजह से पीछे रह गया, क्योंकि अगर हम पीछे रहते हैं उसकी वजह भी हम ही रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता हमारे फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है और हम किस समय हमारा क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से हमारा ध्यान कहाँ रखना है कि एग्जाम एक महीने बाद है। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना कि भाई एक महीने बाद एग्जाम, अच्छे से खुश रहिए, परिवार वालों को भी अच्छा ये लगना चाहिए कि बच्चा जो हमारा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी अगर सही कमेंट रहा तो। ठीक है, बाकी अगर आप, मैंने योजनाओं के क्वेश्चंस भी अभी योजनाएं करवाई हैं 3-4, उनको आप अच्छे से देख लेना। बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।